गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब उठ जाती हूँ बिकॉज 4:30 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी। यार इतना ठंड में कौन सुबह सुबह जाता, बट कोई बात नहीं, हम सनराइज़ देखने जाएंगे आज। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला, व्यू का बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला। चलो उठ जाती हूँ यार। टाइम पे इतनी ज्यादा ठंड है ना, ऊपर से हमारी जो गीजर है ना वो खराब हो गई है, चल ही नहीं रही है, मतलब गर्म पानी नहीं आ रहा है। तो मैं मुंह हाथ धो के जा रही हूँ, ब्रश कर लिया अभी मैंने। चलो फटाफट मुंह धोते हैं भाई, इतना ठंडा पानी ना बर्फ की जैसा है यार, बाप ये रे। वाली टॉप पहनने वाली हूँ बिकॉज सनराइज के समय ना ये टॉप बहुत सुंदर लगने वाला है, तो ये ये जीन्स पहन टॉप रही पहना हूँ। हुआ बहुत अच्छा रहेगा, देखो बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इतना ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि 4-5 AC चल रहा हो, इतना ठंड है। पता है मतलब मेरा हाथ वाथ इतना ठंडा होकर काँप रहा है, पता है बहुत पता है ठंड मैं से। इतना रेडी क्यों हो रही हूँ, बिकॉज रील बनानी है, फोटो शूट करना है ये ड्रेस पे, है कि नहीं? व्यू अच्छा रहेगा तो फोटो शूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अपडेट रहना पड़ता है एंड व्लॉग में भी, स्नैपचैट पे भी। सो प्लीज़ मेरे स्नैपचैट की आईडी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लीज देखो आप, मेरे पास रबर बैंड है, इस पे बहुत मैच कर रहा है, तो ये रबर बैंड आज लगाऊंगी। देखो मस्त रेडी, मेकअप वेकअप सब कर लिया है। आज ये वाली गॉगल्स लगाऊंगी, बाकी ये टॉप तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सो लग रही रहा है, ये देखो उठ के चल पड़ेंगी घूमने के लिए। देखो पापा यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। देखो है। आज लंबे लंबे बूट, एक्चुअली ये जीन्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। चलो वेयर कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि भैया ये आते ही व्हाइट होंगे। वाला वेयर किया बिकॉज इसके साथ व्हाइट काफ़ी अच्छा लगता, एंड ब्लैक बूट है तो ये डॉट डॉट के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या अपने घर की तरह यहाँ पे भी पूरा खिंडा के रखा है हर चीज़। क्या करूँ यार, सामान मिल नहीं खाली रहा लॉटरी था। चौको भाई, और इसकी हालत पूरी ख़राब हो गई देखो। की उड़ गई और अपना चश्मा और क्या क्या सॉक्स वगैरह ढूंढ रही है। चलो पापा जैकेट पहना ना आप। वेरी गुड, ठीक है। सो गाइस ये रहा मेरा फुल आउटफिट, मम्मी ने स्कार्फ बांधने बोल दिया तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखो कैसे लग रहे मम्मी, हम अच्छी लग रही हो, कैसे लग रहे पापा? बाकी ना 4:30 बज रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है यार, तो धुआं निकल रहा है बहुत। मम्मी थक गया ना, मेरी मम्मी थक गई। ओह बहुत ठंड है, गाड़ी आ गई है। गाड़ी भी सोचो 4:30 बजे आ गई है, मतलब टाइम के कितने पक्के हैं भैया यार, जो टाइम पे बोले वो टाइम पे आ गए। मम्मी को खांसी आ रही है। अरे टाइगर हिल वहीं पे हमें सनराइज दिखेगा, और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो आप कैब भी ले सकते हो, बाकी बहुत ठंड है भैया। ऊपर में कॉफ़ी कॉफ़ी कैसे करके है? 20 चलो ठीक लेते हैं, 20 में ऊपर में लीजिए ना, ऊपर ठीक है चलो। हाँ ओके सिस्टर, ओके इतना सुंदर सिस्टर। गाइस अभी हमें टाइगर हिल में, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो मम्मी के लिए मैंने ना शॉल खरीद लिया। चलो कॉफ़ी मस्त गर्मा गर्म दीदी दे रही है हमें, 20 रुपीज़ करके कॉफ़ी मिल जाता है यहाँ पे, और 6:20 पे ना सनराइज़ होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। ओश की वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती थोड़ा बहुत। हाँ इन्होंने मेरा एक नाम रखा है, आप क्या नाम रखे हो मेरा? सुंदर। सुंदर बहुत अच्छे। मैंने पापा का फ़ोन लिया, वहीं से टॉर्च ऑन करके वीडियो ही बना रही। बाकी 6:30 पे सनराइज़ होगी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये बहुत सारी भीड़ है। कोई आ सकता है जो ठंड बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड है। और मैंने अपनी बहन के लिए भी कैब लिया और ख़ुद के लिए भी, ये देखो दार्जिलिंग वाली कैब भी है। तो अभी ज़रा कैब दिखा, देखो इसके लिए भी कैब ले लिया, क्योंकि ठंड लग जाएगी। सीधा करना अपना मुँह दिखा, देखो ये आज मेरा स्कार्फ पहनी है मस्त वाला। मम्मी को देखो कैसे टोपी करके रखी है, और अभी हटना, मम्मी को देखने देना यार। ये देखो पापा को फ्रेश होंगे, फिर जो हम उधर जाके आ रहे हैं यहाँ पे, तो उधर जाके उधर जाएगी। बहुत कुछ मिल जाते हैं, कैप्स वगैरह, सॉल वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग अच्छे से स्वेटर पहन के आना टाइगर हिल पे। और यहाँ पे देखो ऐसे नॉर्मल चीज़ भी मिल जाती है, सोकेस वगैरह। गाइस देखने के लिए कितनी भीड़ हुई है, सभी लोग एक ही टाइम पे आती है, मतलब सारी गाड़ी ना रोड पे एक ही टाइम पे चलती है। बहुत ओश होता है, फिर भी भैया लोग मैनेज करके चला लेते हैं यार, काफ़ी रिक्स वाला काम होता है, हमारी जान की सेफ्टी करके वो चलाते हैं यार। कुछ भी नहीं दिख रहा है, जब सन आएगा तब आपको दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा होश है, ऐसे डेंजर में भैया गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी थोड़ा दिन हुआ है, बट सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होगा बिकॉज ओश बहुत ज़्यादा है। बड़ी गजब लग रही है यार, और गॉगल्स लाना मैं भूल गई यार, गाड़ी में रह गई मेरी गॉगल्स। ले लिया, और कॉफ़ी का ग्लास देखो यार, इतना अच्छा है ना, देखो कितना मस्त ग्लास मिला, मुझे तो ऐसे फेंकने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है इसको घर ले जाऊंगा। 6:20 पे होगा सनराइज, ये देखो अभी तक ओश है, पता नहीं ओश कब जाएगी और सनराइज कब होगी। देखो नीचे से सब लोग ऊपर आ रहे हैं चल चल के, बाकी यार भीड़ तो मैंने आपको दिखाया इतनी ज़्यादा है।
बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम रहता है, तो जिसको अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत हो वो यहाँ पे ना आए। तो चलो मम्मी के लिए मैंने ग्लव्स भी ले लिया पहना। पापा आप भी पहन लो, बहुत ठंड है। ठीक है मत, ठीक है मत। तो पापा के लिए भी ग्लव्स खरीद लिया जाए क्या? मम्मी को भी बहुत ठंड लग रही थी, पापा को भी, मुझे थोड़ी कम लग रही है, बट ठंड तो बहुत ज्यादा है यार। ये देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। अब 6:05 हो गया है, देखो वेट करते सनराइज होता है कि नहीं, पता नहीं मुझे यार। समझ नहीं आया, कहते कलर चेंज करिए। हाँ पहनो पहनो। प्राइस ऑफ द सॉल 400। ओके अच्छा लग रहा ना पापा, फ्रेंडली लग रहा तो। ये बोल रही है फटाफट चलो चलो, सनराइज नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? बहुत जन जा रहा है इसलिए। बहुत जन जाएगा तो तुम भी जाओगी क्या? अभी 6:20 हुआ ही नहीं, देख देखने में क्या जाता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता ठीक है। मौसम देख, इसे देखो भागना है, बस इसको सिर्फ भागना है। बहुत ठंड लग रहा है, ये इंजॉय नहीं करने देती है मुझे कहीं भी, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ, बदमाश लड़की है ये। डर था वही हुआ, यानी कि सनराइज नहीं हुआ क्योंकि आज बहुत ज्यादा ही ओश है इस वजह से। मतलब हमारे ड्राइवर अंकल ने भी बोला था नहीं होगा, बट फिर भी हम आके चेक किए कि हो रहा है कि नहीं, और सच में सनराइज हुआ भी नहीं। क्या बोल सकते हैं यार, दिल दुख गया इतने सारे लोगों का, सबका दिल दुख गया यार। बहुत लोग आए थे दूर दूर से सनराइज देखने के लिए, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आपको कोहरा दिखा देती हूँ क्या, बट आप ओश देख सकते हो, ये देखो, और साथ में पहाड़ और पेड़ भी देख सकते हो। वाह क्लियर हो गया वेदर, देखो काश सनराइज देख पाते। सनराइज हो गई, लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं बिकॉज सनराइज हो चुकी है, ये देखो। और मेरी बहन भाग गई, लेकिन यहाँ सब लोग देखो कैमरा ऑन करके रखे, इतने सारे लोग खुश हो गए, मतलब जो लोग वेट किए उनको उसका फल मिला। और ये देखो सनराइज भी हो गई मस्त, क्या देखो। चलो मैं जूम करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमारा सन, वाह ज़्यादा खुश हो रहे हैं ये सन देखकर। ये देखो सब लोग कितने खुश हैं, सब सेल्फी वगैरह ले रहे हैं अंकल आंटी और सब। तो फिर भी सन बहुत ज़्यादा दूर है, बट आपको पता ना हमारे घर से तो हावड़ा ब्रिज से इतनी अच्छी सन दिखती है, पूरी क्लोज रहती है क्या, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूर है, बट कोई ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, ये देख के मुझे भी बहुत अच्छी लग गई। वो तो मेरा रील भी नहीं बनाई, बाकी मेरी मम्मी से मैं बहुत प्यार करती हूँ यार, उनको ठंड लग रही थी फिर भी उन्होंने मेरा वीडियो बना दिया, आई लव माई मॉम यार, बोलना पड़ेगा। बूट्स है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है, ऊपर नीचे रास्ता है, फिर भी मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, ये मेरा हमेशा साथ देता है। डेंस फॉरेस्ट है यार, देख रहे हो इतना घना है, नीचे पहाड़ भी इतना फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट इलाका है, और यहाँ पर सबकी गाड़ी पार्किंग है हमारी में। ओके हाँ हाँ पापा हाई कर रहा था मेरे पापा। टिकट कटवाने पड़ते हैं तो 280 रुपीज़ लग रहा है हम चार जन का, भैया टिकट कटवा लिया हमारा। सो ये रहा टिकट दिखा, सबसे ऊंचा स्टेशन है, घूम नाम है ना इसका भैया, ये देखो हर तरफ तो आपका 70 रुपीज़ पर हेड लगता है, हम चार जन थे तो आप समझ जाओ कितना लगा। जो होता है इसकी 20 रुपीज़ लगती है, वो जाते टाइम पे आपको कटवाना पड़ता है, तो देखो भैया ने कटवा लिया। आते टाइम पे ना बहुत भीड़ हो जाती है, मतलब सारी गाड़ी वाड़ी की भीड़ हो जाती है, इस वजह से नहीं कटवा पाते हैं। तो अभी ये टाइगर हिल की कटवाया हमने, और साथ में एक और लिया दिखाती हूँ। सो ये देखो ये 50 रुपीज़ चार्ज है इसकी भी, प्लास्टिक फ्री जोन। ये दो दो क्यों है भैया? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है और टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। तो ये दो लिया है, मतलब ऐसे चार तो हमने लिया, चार चार्टो करके आयु बताशा लूप, लेकिन मेरी बहन और नहीं जाएगी, दोनों जन सो रही है, मेरी मम्मी कहीं इंजॉय नहीं करती है क्या पापा, ये लोग जहाँ आती आके सो जाती है, बताओ। टिकट यहाँ पे 30 रुपीज़ लगती है, तो आपको अंदर जाने के लिए 30 रुपीज़ देना। टिकट देखो तब हम जा रहे हैं अंदर, काफ़ी अच्छी है यार, यार कितनी अच्छी जगह है पापा, अच्छा लग रहा है ना, ये रेड कलर का कौन सा फूल है पता नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें आप ड्रेस भी पहन सकते हो, स्पेशल ड्रेस ट्राई किया जाए वगैरह भी, और आप कलर सिलेक्शन भी कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। जो
ऑसम, ये देख चौबंदी चोली कहते हैं इस ड्रेस का नाम है भाई, कान का तो गजब है देखो ना, कान में नहीं पहना। पार्क एरिया है देखो, पार्क वार्क है, ये देखो वहाँ पे हमारे शायद आर्मी मैन खड़े हैं और वहाँ हमारा झंडा, तिरंगा झंडा। बहुत लंबी सी पार्क है, फोटो क्लिक कर देते लेकिन पापा को फोटो क्लिक करना नहीं आता, बहन करती है बट वो नहीं आई। और कोई बात नहीं, किसी को बोल के हम करवा लेंगे क्या, यहाँ पे कोई ना कोई को बोलूँगी मैं, जैसे हमेशा यही करती हूँ ना, किसी ना किसी को पकड़ के ऐसे व्लॉग बनवा लेती हूँ। मैं आऊँ हम, मैं आ रही हूँ। अच्छे भैया मिल गए यार, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फोटो ली और वीडियो भी बना दी। बाकी मेरी बहन तो आई नहीं है, पापा भी कोशिश की लेकिन पापा से हो नहीं पा रहा था, सो थैंक यू सो मच। वेलकम। भैया ने वीडियो लिया, मैं दिल खुश हो गया। क्या पापा इतने भले लोग मिल जाते हैं, मुझे हमेशा ही मिल जाते हैं, मूवी हॉल में भी जाते हैं ना पापा, किसी ना किसी को बोल के करवा लेते हैं। सब लोग कितने अच्छे होते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब इतनी लंबी है तो आप लोग भी फोटोज वगैरह अच्छे से यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बहुत बड़ी पार्क है और कुछ नहीं है, सिर्फ पार्क ही है बड़ी सारी। ब्लू वन एंड दिस पिंक वन, सबके लिए हम शॉल लेने वाले हैं। और एक तो ये चीज भी है, इसको बोलते हैं हम 12 पीस ले रहे हैं, मतलब सबके लिए ले रहे हैं। देखो ये नेपाल का मतलब फेमस शॉल है कह रहे हैं, ये देखो। और यहाँ पे वो स्वेटर्स वगैरह सबके लिए, कलर वलर भी देख लेते हैं। चलो वन, कैन यू शो सम, यू गेट द टू और थ्री, आई थिंक फोर कलर, फोर कलर, ओके। दिस इज येलो ग्रीन पिंक एंड ब्लू, 14 पीस लिया है टोटल, सबको गिफ्ट करने के लिए काम आएगा क्या। यहाँ पे बहुत ही फेमस फेमस शॉल मिल रही है, लव डार्जिलिंग, सब फोटो ले रहे हैं। चलो चलते हैं यार, बहुत लेट हो जाएगा। चलो पापा, कोई खींचने के लिए नहीं है फोटो, वरना यहाँ भी खिंचवा लेती मैं। चलो पापा, दैट वन या 20 रुपीज, ओके गिव मी वन कुकीज, 50 रुपीज, वी डोंट वांट सॉल्टी। खाने पीने का शॉप आ गया, मेरी बहन का नींद एकदम फटाक से उठ गया। लो तुम्हारे लिए, मिर्ची का चिप्स ले लेते हैं। रोटियाँ मिल रही है यार, हमारे कोलकाता में मिलनी बंद हो गई है। मम्मी पापा बहन के लिए ले लिया है, पापा के लिए ये ले लिया, मम्मी के लिए ये वाला लिया है, और बाकी ले रही हूँ च्युइंगम, हैप्पीडेंट वगैरह, क्योंकि अभी लंबा सफर है तो च्युइंगम चाहिएगा। बहुत कुछ लिया, दूसरी गाड़ी में बैठ गए बड़ी वाली, बिकॉज हमें रॉक गार्डन जाना है। उसका रास्ता जो है ना वो मतलब बहुत डाउनवर्ड है, मतलब हम लोग बहुत नीचे जाएंगे। कितना किलोमीटर नीचे है? 4000 फीट नीचे है, 4000 फीट नीचे जाने वाले, तो उसके लिए बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। छोटी गाड़ी मतलब स्लिप होने का डर रहता है, इसलिए आप कुछ नहीं खाएगा मम्मी, खा लो यार, आपके लिए मैड एंगल है तो अभी नहीं खाएंगे, बाद में वहाँ खाएंगे। मैं फ्रूटी खाऊंगी। नीचे जा रहे हैं, डेप्थ वाली रोड है यार, और उबड़ खाबड़ भी है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी भैया और चला लेते हैं। वेरी टैलेंटेड। देखो पूरा राउंड कर करके हम जाएंगे नीचे, ये देखो काफी डेंजरस है, मतलब हर तरफ ओश ओश है। और यहाँ पे देखो यार कैसा रोड है, अभी हम नीचे जा रहे हैं, ये देखो यहाँ खाई है पूरा रोड की तरफ, पूरा पहाड़ है देखो, यहाँ से गाड़ी जा रही है। रास्ता काफी पतला है, देख रहे हो मम्मी, डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तुमको? डर लग रहा है? बाप रे, ये देखो अभी हम नीचे जाने वाले हैं मस्त एकदम। ओ माय गॉड, हाँ अभी दिखाई रहे थे, हमारा रॉक गार्डन, चलो दिखाते गार्डन। और यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह आप नहीं ले जा सकते हो, पैकेट चिप्स चिप्स का तो 500 आपकी फाइन लग जाएगी। और यहाँ पे उसका सीन ही लग रहा है मुझे, झरना वरना क्या, सोचो ये पानी कहाँ से कहाँ जाती होगी, देख रहे हो इतनी पानी जाती कहाँ है यार। सब फोटोज वोटोज ले रहे हैं, सोचो वहाँ से आ रही है पानी यहाँ से। गार्डन के इस साइड में देखो, यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा। उठा के लेके आ गए ये देखो, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने भी बोला कि लाइफ में घूमने कब मिलता है, और मिल रहा है तो आप घूम नहीं रहे हो, इसलिए कहते हैं एंजॉय करो, समझी। तो रॉक गार्डन आओगे तो वॉशरूम भी जाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हो। और ये हमारा मिनी हावड़ा ब्रिज देखो, कोलकाता में जो है वो यहाँ से उधर पार होने के लिए बनाया है, क्योंकि नीचे जो है ना आप देखो सब झरना ही झरना है। वाह यार, हर तरफ पानी पानी है, फोटोज काफ़ी अच्छी आएगी। और ऊपर में रॉक गार्डन भी, मतलब ये पूरा ही रॉक गार्डन है, ऊपर का पार्ट भी मैं देखूँ दिखाऊंगी आप लोगों को। चलो चलते आगे,
हाँ मैं सोच रहा था, लेकिन देखो पूरा कचड़ा वचड़ा सब लोग फेंक दिए, इतना गंदा बना दिया ना। बाकी पानी तो बहुत साफ है यार, कुछ लोगों का काम ही होता है कचड़ा फेंकने का, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है ऐसे देख के। चले पापा ऊपर, जो मेन झरना है ना वहाँ पे फोटो शूट करेंगे, ठीक है? चलो चले भाई। लो देखो, यदि आपको यहाँ से टिकट लेना होगा 20 रुपीज़ पर टिकट। चलो अंदर चलो। रॉक गार्डन यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, झरना वाला यहाँ पे फोटो शूट करेगा, क्योंकि और ऊपर जाने का, बहुत ऊपर जाने का रास्ता है। नीचे का तो मैंने आपको दिखाया, बाकी ये टॉप बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार। आपको मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, उधर आओ, ये देखो कितना अच्छा व्यू है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो आप रॉक गार्डन ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और अभी हम लोग को ऊपर और जाना होगा, देखते हो ऊपर क्या है। मेरी बहन नहीं जाएगी, वो जाके साइड में बैठ जाएगी, बट मैं और पापा जाएंगे। देखो हील पहन के मैं कितना मस्त दौड़ूंगी। 1 2 3 मत कर मजाक, ती तो मजाक मत कर, मजाक मजाक में दौड़ भी ली है। आगे भी थोड़ा झड़ना है, बट बाकी और भी ऊपर जाना है। ये देखो यहाँ पे बैठने की स्पॉट भी है, रास्ता कट रहा है यहाँ पे, एक रास्ता कट रहा है। तो सबसे पहले वहाँ जाके देखो, काफ़ी अच्छी आ रही है, देखो देख रहे हो। चलो और ऊपर, मुझे तो लग रहा है झरना वर रही है, बट फिर भी हम देखेंगे सब क्या, मतलब सब कुछ ऐसा ही है, मतलब झरना वरना है। ऊपर जाके देखो, ऐसे क्रॉस करोगे उधर जाओगे वहाँ भी झरना आ जाएगा, मतलब हर तरफ पानी पानी है। बहुत सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर जो गार्डन बना है, बहुत ही प्यारा है। तक इधर जा रही हूँ फोटो शूट के लिए, यहाँ पे एक जन दिख गया है, मैं इनको बोलूँगी फोटो क्लिक करने। यहाँ की पानी देखो, बाप रे इतनी ठंड है ना यार, ऐसा लग रहा फ्रीजर की पानी है, बाप रे बहुत ज्यादा ठंडी पानी है। अरे बाबा, बहुत ऊपर है, अगर आप चाहो तो जा सकते हो, जिसको चलने का शौक है वो बिल्कुल जा सकता, बट पापा को चलने का मन नहीं था और बहन को भी नहीं, पर पापा मेरा बहुत साथ देते हैं और मम्मी भी बहुत साथ देती है, कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग चलते हैं, चलते सब कपल्स के, देखो पीछे जो कपल गए ना, सब कपल की फ़ोटो वोटो खींचते खींचते चल रही हूँ, क्योंकि उनके पास बेबी है छोटा और उनके पास कोई है नहीं जो फोटो क्लिक करे, सेल्फी ले रहे थे बेचारे। मैंने बोला आप लोग सेल्फी मत लिया, अगर मुझे बोलो मैं खींचती हूँ, सबकी फ़ोटो खींचती हूँ यार। मुझे चाहिए यार फोटो क्लिक करने वाले, कौन मिलेंगे यार मुझे बताओ। हमारी गाड़ी फाइनली जा रहे हैं होटल, और फिर कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है। कितना ही बज रहा होगा अभी, अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है ना। अभी हम जाएंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, मस्त करते हैं। मैं सोने वाली हूँ, मम्मी बहन सब लोग सो रही है।